अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बना रहे हैं हरी चटनी, यानी कि ग्रीन स्वीट एंड चिली चटनी बना रहे हैं फॉर बिगनर्स, जो जो ग्राइंडर में ब्लेंडर में डाल के उसका मलीदा बना देते हैं, वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती। इसके अंदर जाएगा जी हरा धनिया, हमने एक वो प्याली भर के हरा धनिया ले लिया है, उसको धो लिया, इस तरह से काट चूट के धो के साफ़ कर लिया है। उसमें अंदर पानी जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने इसके इसके अंदर डाल दिया है, इसमें हमने डाला है जी 1.5 टीस्पून नमक डाला है, और उसके बाद इसके अंदर डाल रही है हमने चीनी। चीनी जो है इसको स्वीट का टेस्ट देगी, यानी कि हल्का हल्का सा ये मीठी मीठी सी होगी, और चिली इसको देगी, चिली मिर्चें देगी, चिली से थोड़ी चिली चिली होएगी। तो इसको आराम आराम से आपने कूटना है, इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए और ना इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। इसको आराम से आपने कुट 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 करते रहना है, और बस फिर बस इसको अच्छी तरह से आपने कूटते जाना है, कूटते जाना है, कूटते जाना है, बस बस कूटते जाना, कूटते जाना है। और ये देखें जी, होगी है ऑलमोस्ट तैयार होगी है। अब इसको मैं एक चम्मच की मदद से इसको मैं निकाल लूँगी, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे चिली, क्योंकि ये स्वीट एंड चिली चटनी है, हरी चटनी है। ये है जी चिली, इसको दरमियान में कट डाल दिया है एहतियात से, बस इसको सीजर से मैं काट रही हूँ, और इसके जो सीड हैं वो इधर उधर गिर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ना गिरे, वरना इसकी मिर्चें बहुत देर तक सूखती रहती हैं। अब 1, 2, 3, 4 चारों हरी मिर्चें इसी तरह काट के मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और ये बारीक 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 से काटनी है ताकि आपको कूटने में आसानी हो। अब इसको आराम आराम से कूटना है, ये तो वीडियो थोड़ी स्पीड में की वजह से ऐसे लग रहे हैं, वरना आराम आराम से कूटना है ताकि ये जो मिर्चें हैं आपके ऊपर ना गिरे, वरना ये बड़ी जोर जोर से मिर्ची 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 कटती हैं। ये ले जी हो गई हैं, हरी मिर्चें भी कूट ली गई हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो चटनी कूटी थी, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, और फिर इसको हल्का सा दोनों को मिक्स करेंगे, तो फिर तैयार हो जाएगी हमारी स्वीट एंड चिली चटनी। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप दही में मिक्स करके, तो जिसके साथ मर्जी खाएं, राइस के साथ खाएं, आलू के पराठे मूली के पराठे के साथ खाएं, जैसे मर्जी खाएं, मज़ेदार चिली स्वीट चटनी होगी है रेडी, ग्रीन स्वीट चिली चटनी होगी है रेडी। ये देखिए कितनी मज़ा, इसमें छोटे छोटे से चंक्स आएंगे धनिए के भी और मिर्चों के भी। चलिए जी, अब इसको मैं निकालती हूँ एक डिश में, और फिर इसको मिक्स करते हैं हम दही में। अब इसको हम कर रहे हैं दही में मिक्स। अब इसको मिक्स करने के बाद आप एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये बड़ी ही मज़ेदार बनी है ग्रीन स्वीट चिली चटनी। अरे वाह, अरे वाह, स्वीट एंड चिली चटनी।